ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਡ ਸਪਟੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਸਪਟੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। मैम जी बारिश होएगी इसका सीधे तौर पर असर फसलों के उपर हो सकता है क्योंकि एक पास झोने की फसल पक्की हुई है उसके नाल मंडिया भी पई, उस तो इलावा जो सब्जियां जो सीजनल सब्जियां ने उन्हें गल की जाए या फ्रूट्स की गल की जाए उन्होंने भी असर कर सकती है बारिश? हाँ देखो जी बारिश हुई है जिस तरह 9-10 वाली हुई है ये भी आप कह सकते हैं लाइट टू मॉडरेट ही रही है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं सी हुई तो क्योंकि काफ़ी हद तक तो जो झोना वड्या जा चुका है। 13 तारीख तो बाद पछमी गड़बड़ी जी सरगर्म हो रही है जिसके बारे कहा जा रहा, सो एक कितना इंपैक्ट पाएगी पंजाब के खास करके लुधियाने के मौसम के उपर, तापमान होर फॉल करेगा जो टैंपरेचर फॉल करेगा या नॉर्मल के आस पास ही रहेगा और कितनी बारिश जी होने की संभावना दसी जा रही है? टैंपरेचर एक बारिश नाल ही काफ़ी फॉल हो गए हैं और हाले जदों मतलब ग्रेजुअली टैंपरेचर राइज होएगा तो इन्ना क मतलब राइज नहीं होना क्योंकि 14-15 तो जो चांसिज है तो रात का तापमान जरूर थोड़ा जहा वधेगा बट डे टाइम के भी इन्ना फर्क नहीं पैना। सत श्री अकाल, तुसीं लुधियाना टाइम्स देख रहे हो तो मैं अमन सिंह तुहाडा सारयां दा स्वागत करदा। 9 और 10 अक्तूबर की दरमियानी रात में हुई बारिश ने जिथे किसानों दियाँ चिंतावां वधा दित्तियां ने, चिंता होवे भी क्यों ना क्योंकि एक पासे खेतों के पक्की झोने की फसल खड़ी है और दूसरे पासे खुले आसमान के झोना मंडिया के पिया जिसके चलते फसल का नुकसान होने का खदशा जिहड़ा जताया जा रहा है। सो बारिश हुई कई ज़िलों के बारिश के नाल नाल तेज़ तूफान तो झक्खड़, उस तो इलावा पटियाला साइड जे गल की जाए कई पिंडां दे विच गड़ेमारी भी हुई है। सो कहा जा रहा कि आने वाले दिनों दे विच भी अजिही बारिश और मौसम का जिहड़ा मिजाज बदल सकता है। सो अज असी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच पहुंचे हां, साडे नाल वैदर एक्सपर्ट कुलविंदर कौर गिल जी मौजूद ने, उन्हां तों जाणांगे कि आने वाले दिनों दे विच मौसम का मिजाज किस तरह का रहेगा। सत श्री अकाल मैम। मैम जिस तरह 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात बारिश हुई कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों भी मौसम बदल सकता है, तुहाडे वल्लों की अपडेट है, की प्रिडिक्ट करोगे? जिस तरह आप देखते हैं जी इस बार जी मानसून की वापसी है वह भी काफ़ी लेट हुई है जी, क्योंकि मोस्टली साढ़े को मिड सपटंबर के जी नॉर्मली हो जाती है ना मानसून की वापसी, इस बार साढ़े को 30 सपटंबर में जो मानसून की वापसी देखी गई है तो उस तो बाद मौसम के काफ़ी फिर तब्दीली आई है, एकदम टैंपरेचर राइज करने शुरू हो गए। जिस तरह कि आप देखते हैं कि जोड़ा दिन का तापमान है वो साढ़े को 24-25 ना 35 तक भी उस तो बाद रिकॉर्ड किया गया, तो जोड़ा रात का तापमान है वह भी जोड़ा सगा साढ़े को 23-24 तक रहा, दिन का जिमें 34-35 और रात का 23-24 तक रहा। सो दोनों जोड़े टैंपरेचर ने नॉर्मल तो ज़्यादा रहे काफ़ी टाइम ना जो मानसून की वापसी तो बाद, फिर थोड़ा जहा वैसटर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट आना शुरू होया तो 9 से 10 की जी रात है उदों पछमी चक्करवात के मद्देनज़र जी बारिश हुई है वह भी ऑलमोस्ट पंजाब के काफ़ी हिस्सों के रिकॉर्ड की गई है, साढ़े को भी 18 मिलीमीटर जी बारिश लुधियाने रिकॉर्ड हुई है। सो उदे नाल टैंपरेचर के काफ़ी फॉल आया है, जिस तरह कि 4-5 डिग्री रात का तापमान ज़्यादा चल रहा है, हुण नीयर अबाउट नॉर्मल जिहड़ा रिकॉर्ड किया जा रहा 18-19 के नीयर अबाउट आ गया है। सो इस तरह ही जो दिन का तापमान है वह भी थोड़ा फॉल किया क्योंकि हवा भी ठंडी होनी शुरू हो गई है, सो आप कह सकते हैं कि सर्दियों का जो आगमन है वह शुरू हो चुका है। बाकी हुण अगों जे आप गल करते हैं तो जिहड़ा 14-15 तो बाद फिर एक वैसटर्न डिस्टर्बेंस के चांसिस ने तो वो भी 2-3 दिन जी है पंजाब के बारिश होने की संभावना है, पर बहुत ज़्यादा बारिश की हले तक सानू कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हैगी, मतलब लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल जी हो सकती है। मैम जी बारिश होएगी इसका सीधे तौर पर असर फसलों के उपर हो सकता है क्योंकि एक पास झोने की फसल पक्की हुई है उसके नाल मंडिया भी पई, उस तो इलावा जो सब्जियां जो सीजनल सब्जियां ने उन्हें गल की जाए या फ्रूट्स की गल की जाए उन्होंने भी असर कर सकती है बारिश? हाँ देखो जी बारिश हुई है जिस तरह 9-10 वाली हुई है ये भी आप कह सकते हैं लाइट टू मॉडरेट ही रही है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं सी हुई तो क्योंकि काफ़ी हद तक तो जो झोना वड्या जा चुका है, तो एक सानू ये सीगा कि जी बारिश हुई है सिर्फ एक दिन होके उस तो बाद फिर मौसम साफ हो गया, सो इस करके वह बहुता नुकसान आप नहीं कह सकते क्योंकि उस तो बाद जो मौसम साफ हो गया तो फिर फसल में मतलब जो सनशाइन आर्स मिल जाते हैं या ड्राईनैस हो जाती है हवा के थोड़ी तो वह फिर फसल तो इन्ना ज़्यादा नुकसान नहीं करती। बाकी जो कुछ बीमारियाँ आप कह रहे हैं कि आ सकती ने झोने इस टाइम तो वो असी टाइम टू
टाइम एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं कि जिहड़े किसान वीर आ उह झोने ते या जिहड़ी बासमती उहदे ते आ स्प्रे कर सकते हैं। तो हुण जिहड़ी बारिश आने वाले दिनों दे विच एक्सपैक्टेड हैगी है वह भी जिस तरह मैं दस्सिया भी लाइट टू मॉडरेट ही एक्सपैक्टेड है, तो उम्मीद करते हैं कि उहदा ज़्यादा नुकसान नहीं होएगा। पर यह है कि किसान वीरां नूं आपां कहिंदे आ कि उस तो पहलां जिथे उन्हां नूं लग रहा कि फसल पक चुकी है उन्हूं अपना चंगी तरह वढ के सांभ लैण ताकि वह जिहड़ी मतलब कट्टी फसल होगी खेत दे विच उहदा नुकसान होने की संभावना वध जाती है। मैम जिहड़ी 13 तारीख तो बाद पछमी गड़बड़ी जिहड़ी सरगर्म हो रही है जिस दे बारे कहा जा रहा, सो यह किन्ना इंपैक्ट पाएगी पंजाब दे खास करके लुधियाने दे मौसम दे उपर? तापमान होर फॉल करेगा, जो टैंपरेचर फॉल करेगा या नॉर्मल दे आस पास ही रहेगा, और किन्नी बारिश जिहड़ी होने की संभावना दसी जा रही है? देखो इस तरह हुण टैंपरेचर एक बारिश नाल ही काफ़ी फॉल हो गए हैं और हाले जदों मतलब ग्रेजुअली टैंपरेचर राइज़ होएगा तो इन्ना क मतलब राइज़ नहीं होना क्योंकि 14-15 तो जो चांसिस है तो रात का तापमान जरूर थोड़ा जहा वधेगा बट डे टाइम के भी इन्ना फर्क नहीं पैना। सो आप कह सकते हैं कि हुण सर्दियों का जिवें मतलब शुरू हो जाएगा सीजन, टैंपरेचर के हुण ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी ना, तो उस तरह नाल आपां नूं प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हुण विंटर्स जिहड़ियां ने स्टार्ट होने वाली ने। तो बाकी जो फसलों की गल करते हैं तो उहदे विच भी इन्नी ज़्यादा रेनफॉल एक्सपैक्टेड नहीं है कि उहदा नैगेटिव इंपैक्ट आए, बट ये है कि प्रिकॉशनरी जरूर सानूं ये कोई स्प्रे करनी है तो इन्हां दिनां दे विच कर लेनी चाहिए है क्योंकि हले मौसम साफ है। और दूसरा यह है कि जिहड़ी मतलब अपनी फसल पक चुकी है उहनूं सानूं सांभ लेना चाहिए है, बाकी सब्जियां दे विच जां किते होर जिथे संभावना है आपां कह सकते हैं कि उत्थे अपना निकासी का प्रबंध जरूर किया जाए अगर बारिश हो जाती है तो पानी खड़ा ना रहे ताकि जिहड़ा फसल नूं कोई नुकसान ना हो सके। समा देने लई बहुत बहुत शुक्रिया। सो इस साडे नाल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो वैदर एक्सपर्ट कुलविंदर कौर गिल जी, जिन्हां ने जानकारी सांझी की कि बेशक 9 और 10 की दरमियानी रात में जो बारिश हुई जिस टैंपरेचर थोड़ा बहुत फॉल किया और आने वाले समय के जो गल की जाए 13 तारीख तो बाद एक होर पछमी गड़बड़ी जी सरगर्म हो रही है पर उसका बहुता प्रभाव पंजाब और खास करके लुधियाना के मौसम से नहीं पेगा, ये कह सकते हैं कि सर्दियों का आगाज जोड़ा होने जा रहा है, बाकी फसलां पक चुकी ने और किसान भीर जिहड़े ने उन्हां दी संभाल भी कर रहे हैं। रही गल जेकर किसानां नूं के प्रिकॉशनस लैना भी जरूरी है जे बारिश आउंदी है तां जो एहतियात ने किसानी दे विच ओह जरूर उन्हां वल्लों वरते जाण तां जो उन्हां दा कोई भी नुकसान ना हो सके। कैमरामैन सतवंत मठाड़ू दे नाल मैं अमन सिंह, लुधियाना टाइम्स।